जिन्हू वेखा उही न्याणा लगदा मैनू माड़ू, जिन्हू वेखा उही न्याणा लगदा मैनू माड़ू, ताही सियाणे ऐ कहंदे ने खवाओ इन्हां नू आड़ू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मान अशरफ, द सिटी विलेज फूड में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आड़ू के जूस की रेसिपी, पीच मिंट जूस। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आड़ू गर्मियों में अल्लाह पाक का एक बेहतरीन तोहफा है, जो कि विटामिन सी से भरपूर है। फाइबर की भी एक अच्छी खासी मकदार इसमें पाई जाती है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहतरीन है। ये हैं वो सब इंग्रेडिएंट्स जो कि आड़ू के जूस में इस्तेमाल होते हैं, जिनकी डिटेल मैं आगे जाके दूंगा। सबसे पहले हम आड़ू को बारीक बारीक काट लेंगे और हम आड़ू को छिलके समेत काटेंगे। आड़ू का छिलका नहीं उतारेंगे, क्योंकि आड़ू का छिलका उतारने से बहुत से मिनरल्स और विटामिन्स वेस्ट हो जाते हैं। अब हम कटे हुए आड़ूओं को ब्लेंडर के अंदर डालेंगे। अब हम इसमें चीनी ऐड कर रहे हैं। हर कोई अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा चीनी डाल सकता है। मैंने आलू बुखारा भिगो के रखा था, अब मैं वो ऐड करने लगा हूँ। आलू बुखारे के बाद इमली का पानी ऐड करूँगा। अब मैं इसमें अदरक का टुकड़ा डालूँगा। काला और सफ़ेद नमक दोनों ऐड करूंगा। अब मैं पुदीने के पत्ते ऐड कर रहा हूं। अब दो लीमुओं का रस ऐड करने जा रहा हूँ। अब मैं इन सब चीज़ों को ब्लेंड कर लूँगा। हल्का सा ब्लेंड करने के बाद अब मैं इसमें आइस क्यूब शामिल करने जा रहा हूँ।
आइस क्यूब शामिल करने के बाद सबको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। आड़ू का जूस क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद थोड़ा सा फिर ब्लेंड करेंगे। आड़ू का जूस तैयार हो चुका है। आड़ू के जूस को शीशे के गिलास में निकालने से पहले गिलास की जामेश्री से हल्की सी कोटिंग कर लेते हैं। अब आड़ू के जूस को शीशे के गिलास में डालेंगे और अब आप देख सकते हैं कि जामेश्री की कोटिंग की वजह से अपेरेंटली इट लुक्स नाइस। आड़ू या आड़ू का जूस इंतहाई सेहतमंद है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, दिल के लिए अच्छा है, स्किन भी फ्रेश करता है। जी तो कैसी लगी आज की हमारी रेसिपी, कमेंट्स में बताइएगा। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।